आप सभी का डाउटनेट पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय और आज इस अध्याय को हम करेंगे समाप्त। ठीक है, बचा है हमारे एक संवेदी अंग जिसका नाम है कर्ण, यानी हम बात करने वाले हमारे ईयर्स की। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना? हमारे ईयर के बारे में पढ़ना, हमारे कर्ण के बारे में पढ़ना। ठीक है, सो देखिए इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी में कई सारी बातें बता रखी है हमारे कर्ण के बारे में। सो एक काम करते, एक एक करके बिंदु हम पढ़ते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला बिंदु कर्ण के बारे में जो आ रहा है, कर्ण यानी ईयर के बारे में सबसे पहला बिंदु जो आ रहा है वो ये, इसका कार्य क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्या? सुनने का, है ना, सुनने का, सुना। लेकिन इसके दो कार्य हैं, क्या? कर्ण जो होता है ये एक हमारा एक संवेदी अंग है, ये तो समझ में आता है। अब ये जो संवेदी अंग जो है इसके दो कार्य हैं। पहला कार्य सुनने का, पहला कार्य क्या है? सुनना। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है? शरीर का बैलेंस, याद रखना। किसका? शरीर का संतुलन, याद रखना, भूल ना जाना। तो शरीर का संतुलन यानी शरीर का बैलेंस बनाना, ये इसके दो कार्य हैं। अब मैं आपको बताता हूं नीट में कैसे प्रश्न आ सकता है घुमाकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्ण का मुख्य कार्य क्या है, है ना, चार ऑप्शन दे दिए जिसमें एक लिखा हुआ है सुनना, एक लिखा हुआ है शरीर का संतुलन, एक लिखा हुआ है सूंघना, एक लिखा हुआ देखना। अब यहां पर दोनों ए और बी तो दे नहीं रखा, और आप जानते हैं हमारे कान के दो कार्य हैं। अब इस कंडीशन तो आप क्या लगाएंगे? सुनना ना, है ना, ये कान का कार्य क्या होता है? सुनना। नहीं, हमारे कर्ण का मुख्य कार्य जो है वो याद रखना क्या है? शरीर का संतुलन है, ये हमारे कर्ण का मुख्य कार्य है। मेन फंक्शन जो है इन दोनों में से वो ये है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता लेकिन शरीर को बैलेंस तो किया हुआ, गिर तो नहीं रहा। आप बिना सुने जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर शरीर का बैलेंस ना बने कि आप जिंदा रह पाएंगे? खड़े नहीं हो पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे एक समय के बाद, है? तो याद रखना हमारे कान का मेन काम ये है, ये भी कार्य है लेकिन मेन ये है। आई होप आप ये चीज पहले नहीं जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो याद रखना इस चीज को। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु, हमारा कर्ण जो होता है, हमारे ईयर जो होते हैं, ये तीन भागों में बटे होते हैं। क्या? कितने होते हैं ये तो पता है, एक जोड़ी होते हैं ना। अब हमारा कर्ण जो होता है ये तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले होता है बाह्य कर्ण, बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, दूसरा होता है मध्य कर्ण, मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, और फिर होता है अंतःकर्ण, इंटरनल ईयर। तो इस तरीके से हमारा कान जो होता है वो तीन भागों में बटा होता है। ठीक है, एक डायग्राम से मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो पोर्शन है जिसमें दो चीजें हैं, अभी मैं एक बार पहले बना देता हूं।
ओके जी। सो इस तरीके से ये हमारा कर्ण होता है जिसके टोटल कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बाह्य कर्ण की, जो सबसे बाहर मिल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, कर्ण संवेदी संरचना होती है। कितने होते हैं? दो होते हैं हमारे अंदर, सुनने का और शरीर के संतुलन का। मेन कार्य कौन है? शरीर का संतुलन। ठीक है, अब तीन मुख्य भागों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत्य कर्ण। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आ रही है किसकी? बाह्य कर्ण की। तो बाह्य कर्ण जो होता है वो दो चीजों से बना होता है। कौन कौन सा? एक होता है पिन्ना और एक होता है ऑरिकुला। क्या है? एक होता है पिन्ना और एक होता है ऑरिकुला और एक होता है बाह्य श्रवण गुहा। ऑरिकुला इस तरीके से देखिए, ये है पिन्ना, ये वाला भाग जो है ये ऑरिकुला, और ये है श्रवण गुहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके वैसे तो दो भाग होते हैं, लेकिन क्या बोल रखा है इसने कि तीन चीजों से बना होता है। एक तो पिन्ना, या जिसको हम ऑरिकुला भी बोल देते हैं, यही पिन्ना जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑरिकुला। और एक है बाह्य श्रवण गुहा या बाह्य श्रवण नलिका भी बोल देते हैं। बाह्य श्रवण गुहा और ये ऑरिकुला जो होता है ये पिन्ना का ही भाग होता है, ये वाला पूरा भाग। ये काम करते हैं कंफ्यूजन ना हो, ये ऑरिकुला जो होता है वैसे अगर देखा जाए तो ऑरिकुला जो होता है ये वाला इस तरीके से धारिया होकर यहां तक का जो भाग जो होता है इसे हम ऑरिकुला बोलते हैं या पिन्ना बोल देते हैं। ठीक है, सो तीन दो भाग हैं इसके। किसके? हमारे बाह्य कर्ण के। पहला है पिन्ना जिसका दूसरा नाम ऑरिकुला बोल दिया है। ठीक है, और ये है खाली जगह जिसका नाम है श्रवण गुहा, या इसको हम बाह्य श्रवण गुहा या बाह्य श्रवण नलिका बोल देते हैं। बाह्य श्रवण नलिका कह देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? फिर से बोलूं, ध्यान से सुनो। देखिए, ये हमारा कान का वो भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हमने बोला पिन्ना, और ये पिन्ना जाकर अंदर एक नलिका में खुल रहा है। ठीक है, ये जो पिन्ना जो है इसी का दूसरा नाम ऑरिकुला बोल दिया है, लेकिन एग्जैक्टली ऑरिकुला ये वाला एरिया होता है, ये वाला ऑरिकुला या पिन्ना, और ये है बाह्य श्रवण नलिका, और इस नलिका के अंदर जो क्षेत्र मिलेगा ये वाला, इसको हमने बोला है बाह्य श्रवण गुहा। तो ये दो चीजें मिलकर क्या कहला रही है? बाह्य कर्ण। इतना सा भाग क्या कहला रहा है? हमारा बाह्य कर्ण कहलाता है। अब ये बाह्य कर्ण क्या करता है? जो बाहर वातावरण में जो भी कंपन पैदा हो रहे हैं, जैसे मैंने कुछ बोला तो वायु में कंपन पैदा हो रहे हैं, अब वो कंपन वायु में जो पैदा हो रहे हैं वो हमारे कान से टकरा रहे हैं और कान उसको अंदर भेज रहा। ठीक है, अब बात आ रही है हमारा जो पिन्ना जो होता है ना, ये अवशेषी नहीं होता है। ये जो हमारा पिन्ना जो होता है ये अवशेषी नहीं होता, इसकी जो मांसपेशी जो होती है, इसके अंदर जो मसल्स होती है, क्या आप अपने कान को हिला सकते हो? जैसे कुत्ता बिल्ली हिला लेते हैं, बैल गाय भैंस हिला लेती, क्या आप अपने कान को हिला पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पिन्ना की मांसपेशियां जो होती है ये अवशेषी होती है। कैसी होती है? ये अवशेषी होती है, मांसपेशी। पिन्ना अवशेषी नहीं होता है, पिन्ना के अंदर जो मसल्स होती है ना वो काम नहीं करती है, तो मांसपेशियां अवशेषी होती है। डन, इतना ही पढ़ना है आपने किसमें? बाह्य कर्ण। बस इतना ही था किसमें? बाह्य कर्ण में। तो बाह्य कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है, जो वायु में उपस्थित जो भी तरंगे होती है उनको एकत्रित करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है, और वो ध्वनि कहां जा रही है? अंदर जा रही है। ठीक है, अब इधर देखिएगा,
बाह्य श्रवण गुहा कर्ण पटय झिल्ली तक भीतर की ओर होता है। अब ये कर्ण पटय झिल्ली क्या है अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अगर लिखा होगा पिन्ना और मियटस में कुछ महीन बाल और मोम स्त्रावित करने वाली तेल वसा ग्रंथियां होती है, चलिए बिल्कुल लिखा हुआ क्या, ये जो हमारा पिन्ना होता है, इस पिन्ना होता है, इस पिन्ना के अंदर ये बाह्य श्रवण नलिका जिसके अंदर कौन थी, ये श्रवण गुहा थी, बाह्य श्रवण गुहा थी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं, पहली बात तो। दूसरा, यहां पर होती हैं क्या कुछ ग्रंथियां जो निकालती है मोम, जो अंदर क्या निकालती है, मोम निकालती है, है ना। अब धूल के कण आएंगे तो वो धूल के कण एक लिस से पदार्थ में अटक जाएंगे कि नहीं अटक जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना यहां पर क्या मिलती है, मोम ग्रंथि मिलती है, उन मोम ग्रंथि को हम बोलते हैं सिरुमन, याद रखना। ये नाम नहीं दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में, तो याद रखना इन मोम ग्रंथियों का नाम क्या होता है, सिरुमन, जो अंदर क्या निकालती है, मोम निकालती है। बाकी यहां पर क्या मिल रहे हैं, सर बाल भी मिल रहे हैं जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। खत्म, बस ये था हमारा बाह्य कण, डन, ये हमारा बाह्य कण। अब बाह्य कण यहां से यहां तक, इधर देखना, ये वाला जो पोर्शन जो है, ये वाला कौन सा, ये वाला पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला है हमने मध्य कण। ये हमारा सबसे पहले किसकी बात करी, बाह्य कण, अब इसकी किसकी बात करेंगे, मध्य कण। अब मध्य कण में देखिएगा क्या मिल रही है, मध्य कण में मिल रही है एक झिल्ली। एक एक करके मैं सारे कण के भाग दिखा रहा हूं आपको। पहले हमने किसकी बात करी, बाह्य कर्ण की बात कर ली। बाह्य कर्ण में आपकी दो चीजें हैं, पिन्ना है और बाह्य श्रवण नलिका है। पिन्ना जिसकी मांसपेशियां कैसी हैं, अवशेषी हैं, जो बाहर तरंगे जो हैं, वेव्स जो हैं, उनको ग्रहण करेगा और उस ध्वनि को, उन तरंगों को कहां भेजेगा, अंदर भेजेगा, डन। अब इस बाह्य श्रवण नलिका के अंदर क्या मिल रहे हैं, बाल भी मिल रहे हैं और मोम भी मिल रहे हैं। मोम स्त्रावित करने वाली क्या मिल रही है, ग्रंथियां, जिनका नाम है सिरुमन, डन। अब ये जो था बाह्य श्रवण नलिका, ये थी मान लेते हैं बाह्य श्रवण नलिका थी, ठीक है। अब इमेजिन करो बाह्य श्रवण नलिका किस में जाकर खुल रही है, किससे जुड़ी हुई है, दिस इज बाह्य श्रवण नलिका, ये बाह्य श्रवण नलिका है, ठीक है। ये हमारी कौन है, बाह्य श्रवण नलिका है। अब ये बाह्य श्रवण नलिका एक झिल्ली से जाकर जुड़ रही है और इस झिल्ली का नाम याद रखना आपने, कर्ण पटह झिल्ली। क्या नाम है, कर्ण पटह झिल्ली, जिसको हम टिम्पैनिक झिल्ली भी बोलते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। कान का पर्दा आपने सुना होगा, कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम अंग्रेजी में ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम याद रखने आपने, ठीक है। तो कर्ण पटह झिल्ली, टिम्पैनिक झिल्ली, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ठीक है, ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। कौन है ये वाला, ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला है ना। सो ये है कर्ण पटह झिल्ली, जो आपके इस डायग्राम में भी, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दे रखी है, ये कर्ण पटह झिल्ली दिखाई दे रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चीज समझ में आ गई है, चले। सो ये है कर्ण पटह झिल्ली। कर्ण पटह झिल्ली, ठीक है, और इसको हमने ईयर ड्रम, कान का पर्दा, या टिम्पैनिक झिल्ली बोला, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, ध्यान से सुनना,
शादियों में आप लोग डेफिनेटली गए होंगे, शादियों में जाते हैं ढोल नगाड़े होते हैं, ढोल होते हैं, उसमें ड्रम होते, ड्रम है ना, ड्रम पर अगर वो डंडी से मारते हैं तो साउंड वाइब्रेशन कंपन पैदा करते हैं। हाँ सर, तो जरा सोचिए बाहर से जो तरंगे आ रही थी ये वेव्स आ रही है, क्या आ रही है अंदर, तरंगे आ रही है, तरंग आ रही है। अब ये तरंग जब इस ड्रम से टकराएंगे, ये तरंगे जब इस ड्रम से टकराएंगे तो ये ड्रम क्या करेगा, कंपन पैदा करेगा, क्या पैदा करेगा, वाइब्रेशंस पैदा करेगा। जो भी मैंने बोला वो क्या आ रही है, तरंगे आ रही है, आपके कान के पिन्ना से होते हुए बाह्य श्रवण नलिका से होते हुए अंदर जाकर टकराएंगे, किससे, इस ड्रम से, इस झिल्ली से। ये झिल्ली क्या करेगी सर, ये झिल्ली जो है इस तरीके से वाइब्रेट होगी, इसमें क्या पैदा होंगे, कंपन पैदा होंगे। डन, अब ये कंपन इस झिल्ली से किसमें जाएंगे, आगे हैं तीन, आगे तीन आपके क्या थी, कर्ण अस्थियां। ये तीन कौन है, कर्ण अस्थियां है। पहली जो है मेलियस, दूसरी इनकस और तीसरी जो है स्टेपीज। आप अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां ये, जिसमें से भी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। इनकी आकृति मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गमन और संचलन चैप्टर में, ठीक है। ये हथौड़े के समान है, ये एनविल थी याद कर, मोची का जो यंत्र जो होता है, और स्टेपीज स्टीरअप थी, वो जो घोड़े के ऊपर बैठते हैं जिसमें पैर रखते हैं ना। सो ये तीन आपकी क्या है, क्या बोलते हैं, कर्ण अस्थिकाएं। क्या मिल रही है, ये कर्ण अस्थिकाएं मिल रही है। क्या मिल रही है, कर्ण अस्थिकाएं मिल रही है, कर्ण अस्थियां मिल रही है। डन, सिंपल, चले आगे। अब जरा सोचिए, ये साउंड आएगी, तरंगे आएंगी, इस ड्रम से टकराएंगे, टकराने के बाद ये ड्रम, ये झिल्ली कंपन पैदा करेगी और वो कंपन इनके पास जाएगा, ठीक है। अब इनके पास जाने से क्या फायदा है सर, ये कंपन जो है इनके पास जाएगा तो उससे फायदा क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना। इन कर्ण अस्थिकाओं का काम होता है, जो भी साउंड आ रही है, जो भी ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि के कंपन को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई का मतलब उनको, उनकी, उनको बढ़ा देना, ठीक है, क्या कर देना, उनको बढ़ा देना। यानी साउंड जो आ रही है उसकी जो कंपन जो पैदा हो रही है, वो जो कंपन जो होगी उस कंपन को बढ़ा देना। अब ये नहीं बता रखा हमारी एनसीईआरटी में कैसे बढ़ाते, थोड़ी सी फिजिक्स है भाई। देख ये क्षेत्रफल देख और ये क्षेत्रफल देख, एरिया देखना, फोर्स आप जानते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। बल जो है वो क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इस एरिया से, इस एरिया में, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र में कंपन जब जाएंगे, एरिया अगर छोटा होता जा रहा है तो बल जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ सर, सिंपल, एरिया अगर कम होता जा रहा है तो बल बढ़ जाएगा, वो जो साउंड का जो बल जो है, फोर्स जो है, क्या वो बढ़ जाएगा, हाँ, वो जो कंपन जो है वो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। बस तो भाई यही तो होता है, हम क्या करते हैं, हम कोई यंत्र है, उसका एरिया इतना है और आगे इतना सा है, इसमें से आवाज फेंकते तो वो बढ़ जाती है साउंड। हाँ सर, बढ़ जाती है। सो इतनी सी बात को आपको समझना था, ठीक है, सिंपल सा था, चले आगे। सो इस तरीके से ये कंपन जो है क्या हो जाएंगे, एम्पलीफाई हो जाएंगे, साउंड जो है एम्पलीफाई हो जाएगी। सो कर्ण पटे झिल्ली और कर्ण अस्थिकाएं, ये मिलकर क्या कहलाती है बेटा, ये मिलकर कहलाती है आपकी मध्य कर्ण। इनको हम क्या बोलते हैं, मध्य कर्ण जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, यहां तक का पोर्शन क्या है, मध्य कर्ण। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, नीचे एक नलिका और निकल रही है,
नीचे की तरफ एक नलिका निकलती है, इस तरीके से नीचे की तरफ क्या निकल रही है, एक नलिका निकल रही है ऐसे। आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको दिख जाएगा एक नलिका निकल रही है नीचे की तरफ। इस तरीके से नीचे की तरफ एक नलिका निकल रही है, इसका नाम है यूस्टेकियन नलिका। क्या नाम है बेटा? यहां पर एक नलिका निकल रही है जो मैंने यहां पर दिखाई है, ये देख ये वाली है। दिख रही है? ये जो नलिका जो यहां पर नीचे की तरफ निकल रही है इसका नाम है यूस्टेकियन नलिका। आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए ये वाली लाल वाली से दिख रही है। क्या नाम है? यूस्टेकियन नलिका। अब सर ये क्या करती है, ध्यान से सुनिए, क्या नाम है भैया इसका? यूस्टिक, अब नीचे नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है, इसका नाम है यूस्टेकियन नलिका। ठीक है, अब ये क्या करती है, कई बार प्रेशर जो होता है ना, दाब जो होता है ध्वनि का, वो बढ़ जाता है ईयर का अंदर। जो जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, उच्च, जैसे हम बोलेंगे कहां पर जा रहे हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, वायु का दाब जो है क्या होता था, कम हो जाता है, है? कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां वायु का दाब जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो वायु का दाब अगर कम या ज्यादा होता है, या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लो यहां पर वायु का दाब ज्यादा हो गया तो हमें कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए, वायु के दाब को कम करने के लिए, एक्स्ट्रा वायु जो है यहां से होती हुई, यहां से होती है, इस यूस्टेकियन नलिका से होती हुई किसमें चली जाती है? याद करिए, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, क्या? फैरिंक्स। याद आ रहा है? फैरिंक्स, ग्रसनी। अरे भैया ग्रसनी याद आ रहा है? ग्रसनी को हम क्या बोलते हैं? फैरिंक्स बोलते हैं। याद आ रहा है आपको एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया था इस तरीके से? ये मुख ग्रसनी थी और ये नासा ग्रसनी थी, है? इस नासा ग्रसनी में ध्यान से सुनना, कहां पर ये जो नासा ग्रसनी है, इस नासा ग्रसनी में आकर खुलती है कौन? यूस्टेकियन नलिका। तो यूस्टेकियन नलिका कहां से निकली? सर यूस्टेकियन नलिका हमारे कान से निकली। कौन से कान से? मध्य कर्ण से। और ये क्या कर रही है? जो भी ईयर में प्रेशर या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए, क्या? वायु का दाब जो है, वायु का दाब अंदर या तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये यूस्टेकियन नलिका अतिरिक्त वायु को यहां से निकाल देती है, और अगर कम होती है तो यहां वायु खींच लेती है। आपने कई बार देखा होगा ऐसे मुंह बंद कर लेते हम तो कान में गुड़ आवाज सी आती है, ऐसा लगता है जैसे कान बंद हो गए हो, कान खुल गए हो, है? तो वो क्या होता है कि यहां से वायु जो है कहां पर चली जाती है? इधर चली जाती है, अगर वायु का दाब अंदर कम हो जाता है। और वायु का दाब अगर ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा वायु यहां से निकाल कर इधर लाई जाती है। समझ में आया? तो यूस्टेकियन नलिका क्या कर रही है? वायु के दाब को संतुलित करती है, वायु के दाब जो है, प्रेशर जो है, उसका संतुलन करती है। वायु के दाब का क्या कर रही है? संतुलन कर रही है। तो बेटा मध्य कर्ण में आपको तीन चीजें याद रखनी है। क्या क्या? सिर्फ तीन ही चीजें होती हैं। क्या क्या होती है मध्य कर्ण में? एक होती है कर्णपटय झिल्ली, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, टिम्पैनिक झिल्ली बोलते हैं। जो भी तरंग आएगी, टकराएगी, ये इसमें क्या होंगे? कंपन पैदा होंगे। ये कंपन जो है फिर मेलियस इनकस स्टेपिस से होते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बड़े क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल की तरफ हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपन जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है? एम्प्लीफाई हो जाती है। कंपन जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है? कंपन जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है? अब कंपन जो है उसकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाएगी। यू बोल सकते कंपन जो है उसकी तीव्रता क्या हो गई है? बढ़ गई है। डन। तो ये तीन कर्ण अस्थिकाएं जो साउंड की इंटेंसिटी जो है उसकी
तीव्रता जो है, उसकी तीव्रता जो है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। कौन? ये आपकी तीन हड्डियां, ठीक है। बाकी एक यूस्टिकियन नलिका जो वायु के दाब को संतुलित करती है, एक्स्ट्रा वायु का दाब होता है तो उसको कम कर देती है, कम हो जाता है तो खींच लेती है। और ये किसमें जाकर खुलती है, ये जरूरी याद रखना, क्योंकि यहां से प्रश्न नीट में बनता है। किसमें जाकर खुलती है बेटा? ये फेरिंग्स में जाकर खुलती है, ग्रसनी में जाकर खुलती है, वो भी कौन सी? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी में जाकर खुलती है, ठीक है। आपने कई बार फील भी किया है, ये आपने कई बार फील भी किया, जैसे आप ढलान पर जाते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं तो कान में कुछ बदलाव आते हैं, ऐसे लगता है जैसे कान खुल गए हैं, कान बंद हो गए हैं, तो वो वायु के दाब का संतुलन होता है। डन, ये था हमारा मध्यकर्ण। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? अंतःकर्ण। इसके बाद बारी आ रही है किसकी? अंतःकर्ण की। एक बार मध्यकर्ण को भी यहां पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए यहां तक हो गया था, हाँ जी। कर्णपटे झिल्ली संयोजी ऊतक की बनी होती है, जो बाहर की ओर त्वचा से और अंदर की ओर श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था। ये जो कर्णपटे झिल्ली जो होती है, यहां पर त्वचा मिलती है इसके, और अंदर की तरफ क्या है? श्लेष्मा है। अंदर की तरफ क्या है? श्लेष्मा है। अंदर की तरफ है श्लेष्मा, म्यूकस, जो गीलापन भी देगी इसको, सुखाएगी नहीं, इसको सूखने नहीं देगी इस झिल्ली को, और बाहर से ये त्वचा से कवर्ड होती है। डन, चलो जी आगे बढ़ते हैं। मध्यकर्ण जो होता है उसमें तीन अस्थिकाएं होती हैं, जिनको आप जानते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है, एक के बाद एक जुड़ी रहती है। मेलियस कर्णपटय झिल्ली से और स्टेपीज क्लेवी कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से। यह भी बताऊंगा अंडाकार खिड़की से, है ना, यह भी बताऊंगा। ये वाली लाइन जो है, ये वाली मैं अभी आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया मेलियस किससे जुड़ी हुई है? कर्णपटय झिल्ली से, ये हमने देख लिया। ये मेलियस थी, हाँ सर, ये मेलियस है, है ना। ये मेलियस किससे जुड़ी हुई है? कर्णपटय झिल्ली से। और स्टेपेज किससे जुड़ी हुई है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्यों? क्योंकि अभी अंतःकर्ण पढ़ना है। तो मेलियस जो है वो तो इससे कर्णपटय झिल्ली से जुड़ी है, स्टेपीज किससे जुड़ी होती है अभी बताऊंगा। वो लिख दिया यहां पर हमारी एनसीईआरटी ने कि मेलियस जो है वो तो कर्णपटय झिल्ली से जुड़ी होती है, स्टेपीज किससे जुड़ी होती है वो लिख दिया, जो अभी मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि अभी हमने अंतःकर्ण नहीं पढ़ा। इसने बोल दिया स्टेपीज जो है वो अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। अब क्या है अंडाकार खिड़की, अभी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। कर्ण अस्थिकाएं जो होती है, ये ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। लो जी आ गया बात। कर्ण अस्थिकाएं जो है वो जो ध्वनि की तरंगे जो है उनको कहां भेज रही है? अंतःकर्ण के पास, और ज्यादा तीव्रता के साथ भेज रही है, एम्पलीफाई करके भेज रही है, ठीक है। यूस्टेकियन नलिका मध्यकर्ण गुहा को फेरिंग्स से जोड़ती है। बता दिया आपको, यूस्टेकियन नलिका जो है वो कहां से? मध्यकर्ण से निकलकर किसमें जा रही है? नासा ग्रसनी यानी नेजो फेरिंग्स में जाती है, और ये क्या करती है? कर्णपटय झिल्ली के दोनों ओर दाब को समान रखती है। अब दाब को समान रख रही है यानी वायु का दाब जो है उसको संतुलित कर रही है। डन, क्लियर। ये था हमारा मध्यकर्ण। अब इसके बाद आ रहा है क्या? अंतःकर्ण। अब यहां पर समझाया हुआ है क्या? अंतःकर्ण। तो अब बारी है किसकी? हमारी, किसको पढ़ने की? अंतःकर्ण को। अब अंतःकर्ण जो है ये है सबसे इंपॉर्टेंट, और अंतःकर्ण जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम किस चीज की बात भी कर लेंगे? किस चीज की? भाई साहब हम बात कर लेंगे श्रवण की क्रिया की। हम सुन कैसे पाते हैं, ठीक है, तो सुनने की जो प्रक्रिया है वो भी हम पढ़ लेंगे यहां पर जब हम अंतःकर्ण पढ़ेंगे, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात करने वाले? अंतःकर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिबुली, ये सबको दे रखे, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी। वेल्डन जी, बहुत ही बढ़िया, सारी चीजें दे रखी है। पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, लेबिरिंथ, ये वर्ड दे रखा है। एंडोलिम्फ भी दे रखा है, पेरिलिम्फ भी दे रखा है, कोक्लिया भी दे रखा है। चलो जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आधारीय झिल्ली पर स्थित होती है, रोम आधारीय झिल्ली दे रखा है, रिजनर्स मेम्ब्रेन दे रखा है, रिजनर्स 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 रिजनर, चलो हाँ
राइजनर्स झिल्ली दे रखी है, बहुत ही बढ़िया। आ जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अंत्यकर्ण की। देखो अब अंत्यकर्ण पढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार मध्यकर्ण वाला भाग भी मैं दिखा देता हूं, जस्ट छोटा सा। ये हमारी वही कौन बेटा, टिम्पैनिक झिल्ली, इससे जुड़ी हुई है कर्ण अस्थिकाएं, ये हमारी कर्ण अस्थिका है, ठीक है, टिम्पैनिक झिल्ली कर्ण अस्थिका है। अब हमने यही तो बोला कर्ण अस्थिकाएं अंदर जाकर खुल रही है किसमें, अंत्यकर्ण में, तो हमें क्या पढ़ना है अब, अंत्यकर्ण पढ़ना। अब देखिए ये जो स्टेपीज जो है इसके बाद है अंत्यकर्ण, ये जो स्टेपीज जो है ये एक खिड़की होती है, खिड़की मतलब खोखली जगह है, ये खिड़की से जुड़ी रहती है जो होती है अंडाकार। कैसी है ये? अंडाकार खिड़की है, ठीक है, और इसी के नीचे एक गोलाकार खिड़की भी होती है, तो आपके सामने दो खिड़कियां हैं, एक है अंडाकार और एक है गोलाकार, ठीक है। अब ये स्टेपीज जो है वो किससे जुड़ी हुई है? एक अंडाकार खिड़की से जुड़ी हुई। अब ये अंडाकार खिड़की जो है, ध्यान से देखना, अंडाकार खिड़की जो है ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से है, इस तरीके से होती है, समझ में आया क्या? ये जो अंडाकार खिड़की जो है ये अंदर जाकर घूम जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, और लास्ट में किसमें खुलती है? गोलाकार खिड़की में। तो एक काम करते हैं, क्या इस संरचना, ये जो घुमावदार संरचना, इसको हम बोलते हैं कॉकलिया। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, क्या बोला? ये था मध्यकर्ण, मध्यकर्ण की ये कौन सी अस्थि थी? स्टेपीज। ये स्टेपीज किसमें खुल रही है? अंत्यकर्ण में। अंत्यकर्ण एक घुमावदार संरचना है, इस तरीके से। अब अंत्यकर्ण कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक खिड़की से, जो कैसी है? अंडाकार खिड़की है, ठीक है। इनके नाम भी होते हैं, नाम दे नहीं रखे हमारे, इनके नाम भी होते हैं, मैं आपको नाम भी बता देता हूं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओविलिस, फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं, और जो ये वाला जो होता है गोल वाली खिड़की जो होती है, गोलाकार खिड़की, इसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा रोटंडस, एक है फेनेस्ट्रा ओवेलिस, ओवल, ओवल यानी अंडाकार आकृति की, और एक है गोल, रो, राउंड शेप की, रोटंडस। तो ये दो खिड़कियां, अब ये अंडाकार खिड़की अंदर जाकर इस तरीके से घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घुमावदार संरचना है, जो लास्ट में आकर किसमें खुल रही है? एक गोल खिड़की में आकर खुल रही है। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो घुमावदार संरचना थी इसका नाम था क्या? कॉकलिया। कोई दिक्कत नहीं, चले। अब मैं एक काम करता हूं, इस कॉकलिया को खोल कर दिखा दूं। ये जो कॉकलिया जो था, या इसको मैं अगले पेज पर सीधा करके दिखा देता हूं, अगेन सेम टू सेम, वही हमारा टिम्पैनिक झिल्ली, उससे जुड़ी हुई हमारी कर्ण अस्थिकाएं, फिर उससे मेलियस, इनका सार स्टेप, ये हमारी स्टेपीज है, ठीक है। स्टेपीज किस में खुल रही थी? सर, स्टेपीज जो है वो एक अंडाकार खिड़की में खुल रही थी, ठीक है, और ये अंडाकार खिड़की आगे जाकर, मैंने घुमाया नहीं है, समझाने के लिए, ये अंडाकार खिड़की और ये गोलाकार खिड़की है, ठीक
ठीक है जी, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं था, चलें आगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से देखिएगा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ये वाला क्षेत्र जो होता है, अब टोटल कितने क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं जरा देखिएगा, टोटल आपको कितनी जगह दिखाई दे रही है, एक ये खाली जगह थी, एक ये खाली जगह है, एक ये खाली जगह है, टोटल कितनी खाली जगह है, तीन खाली जगह, ये ठीक है। अभी जो ऊपर वाली जो है इसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलाई, इसका नाम है स्केला मीडिया, और इसका नाम है स्केला टिम्पैनी। तो तीन क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी, ठीक है जी। चलिए यहां तक की बात समझ में, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो स्केला वेस्टिब्यूलाई और स्केला टिम्पैनी जो है, ध्यान से देखना, ये एक हड्डी से आवृत रहते हैं। क्या बोला हमने, यहां पर मिल रही है एक हड्डी, क्या मिल रही है, अस्थि मिल रही है, बोन, बोन मिल रही है, क्या मिल रही है, अस्थि मिल रही है, ठीक है जी। और स्केला मीडिया जो है ये आवृत है किससे, आवरण देखिएगा, ये जगह देखिए, इसको अंदर को देख, मेरा हाथ देख, क्या मेरा हाथ क्या है, स्केला मीडिया है, और इस स्केला मीडिया के चारों तरफ एक आवरण है गुलाबी रंग का। सिमिलरली ये, अब मेरा ये वाला हाथ देखिए, कौन है, स्केला वेस्टिबुल है, इसके ऊपर आवरण है, स्केला टिम्पेनाई, इसके ऊपर आवरण है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी जो है, इनके ऊपर आवरण है किसका, बोन का, एक अस्थि से आवृत है ये, बाहर से किससे आवृत है सर, अस्थि से आवृत है, ये हमारी अस्थि थी, जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी को कर रही थी कवर, ठीक है, बोन। तो ये क्या थी, ये है झिल्ली, ये जो है ये क्या है, ये एक झिल्ली है, ये एक मेम्ब्रेन है, डन। इतनी सी बात भी समझ में आ गई। अब इधर देखना, यहां पर एक द्रव्य भरा होता है, क्या भरा हुआ बेटा, लिक्विड भरा हुआ है, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी में एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड को बोला जाता है पेरिलिम्फ, क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ, यहां पर भी पेरिलिम्फ और यहां पर भी पेरिलिम्फ, एक लिक्विड है। जबकि स्केला मीडिया के अंदर जो लिक्विड भरा पड़ा है, ये जो लिक्विड यहां पर भरा पड़ा रहता है, इस लिक्विड को बोला जाता है एंडोलिम्फ, ये लिक्विड जो है इसको बोला जाता है एंडोलिम्फ,
क्या बोलते हैं? एंडोलिम्फ। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत जटिल चीज है, समझना तो पड़ेगा। फिर से बोलू, स्टार्टिंग से सुनना, जरा जल्दी से सुनिएगा। ये हमारी स्टेपिज थी, एक अंडाकार खिड़की में खुलती है, अंडाकार खिड़की आगे चलकर घूम घुमाकर इस तरीके से लास्ट में गोलाकार खिड़की में खुल रही है। हमने इसको सीधा करके बताने की कोशिश करी। ये वाला भाग जो था इसका नाम है स्केला वेस्टिबुली, और ये वाला भाग जो है इसका नाम है स्केला टिम्पेनी, और इनके बीच में जो पोर्शन है वो है स्केला मीडिया। अब स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी जो है ये एक बोन से कवर्ड है, जबकि स्केला मीडिया जो थी अंदर वाली ये एक झिल्ली से कवर्ड है। ठीक है, इन सब के अंदर लिक्विड भरा पड़ा है। स्केला वेस्टिबुली और स्केला टिम्पेनी के अंदर सेम लिक्विड है जिसका नाम है पेरिलिम्फ, और स्केला मीडिया के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है एंडोलिम्फ। ठीक है, अब बात आ रही है अंतःकरण। ये पूरा क्या कहला रहा है आपका? अंतःकरण। इस अंतःकरण का ये वाला भाग क्या पूरा क्या कहला रहा था? कॉकलिया। इस पूरे भाग को हमने क्या नाम दिया है? कॉकलिया। ठीक है, तो अंतःकरण का वो भाग जो एक लिक्विड से भरा रहता है उसको हम बोलते हैं लेबिरिंथ। क्या हमने बोला? अंतःकरण। अच्छा इधर देखिएगा, देखिए ये आपको, अच्छा मैं इसको देखना, इसको मैं अगर ऐसे काटूं, इसको अगर मैं ऐसे काटूं, देखना तो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी सामने से जब देखूंगा? स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी दिखाई देगा यहां से अगर मैं देखूंगा इस डायग्राम में। देख जो एनसीईआरटी, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, यही तो चीज समझा रहा था। डन, क्लियर है ये वाली चीज? समझ में आ गया? क्लियर है? डंडना डंडन, ये चीज याद रखनी है आपने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला अंतःकरण, अंतःकरण में क्या, इस अंतःकरण के कॉकलिया भाग में लिक्विड नहीं भरा हुआ? सोच, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ भरा पड़ा है ना एक लिक्विड। हाँ, अब आप मुझे बताएं ये जो अस्थियां थी ये साउंड की इंटेंसिटी को क्यों बढ़ा रही थी? क्यों जरूरत थी बढ़ाने की? वो जो कंपन जो पैदा हुए थे उन कंपन की तीव्रता को क्यों बढ़ा रही थी? क्योंकि वो कंपन इस लिक्विड से होते हुए जाएंगे। अब इमेजिन कर, एक वायु में कंपन जा रहे हैं और एक लिक्विड के अंदर कंपन जा रहे हैं, कौन तेजी से जाता है? वायु में यार घर्षण नहीं है कहीं पर भी, लेकिन तरल के अंदर जब आप साउंड की वेव्स को भेजेंगे तो वो क्या उतनी तीव्रता के साथ जा पाएंगे जितनी गैसियस अवस्था में जाती है? नहीं। तो आपको कंपन को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए तो ये मिल रही थी। कौन? कर्ण अस्थि का, ये कंपन की तीव्रता को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि वो कंपन इस लिक्विड के अंदर से यहां से होते हुए जाते हैं। डन, क्लियर है? चले आगे। अब आगे ध्यान से सुन, ऐसा अंतःकरण जिसमें लिक्विड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ। क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ। ये लेबिरिंथ है, ये पूरा लेबिरिंथ है। तो याद रखना, अंतःकरण जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है कॉकलिया, एक है कॉकलिया, और एक होती है अर्ध गोलाकार नलिकाएं। क्या होती है? एक होती है अर्ध चंद्राकार नलिकाएं। अर्धचंद्राकार नलिका, ठीक है, ये है अर्धचंद्राकार नलिकाएं, और ये था घुमावदार पोर्शन कॉकलिया। दिखाई दे रहा है? हमारी स्टेपीज अंडाकार खिड़की में खुली, घूम घुमाकर कॉकलिया जो है लास्ट में गोलाकार खिड़की में ओपन हो रहा है, यहां से तरंगे जाएंगी। ये है कॉकलिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉकलिया। ये कॉकलिया जो है ये सुनने से संबंधित है, और ये जो अर्ध चंद्राकार नलिका जो थी ये शरीर के संतुलन से संबंधित है। ये शरीर के संतुलन से संबंधित है और ये सुनने से संबंधित है।
अभी हम सुनने की बात कर रहे हैं, शरीर के संतुलन की बात नहीं कर रहे, यानी हम कॉकलिया की बात कर रहे हैं। और कॉकलिया जो है, क्या इस कॉकलिया में तरल भरा पड़ा है? सोच, क्या इस कॉकलिया के अंदर लिक्विड भरा पड़ा है? हाँ सर, भरा पड़ा है। और ये तरल, ये जो कॉकलिया के अंदर जो तरल होता है, ऐसे कॉकलिया को जिसमें तरल भरा होता है उसको हम बोलते हैं लैबिरिंथ। क्या नाम देते हैं? लैबिरिंथ बोलते हैं। डन। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, क्या ये लैबिरिंथ है? क्या ये लैबिरिंथ है? क्या ये लैबिरिंथ है? हाँ सर, ये लैबिरिंथ है। अब इधर देखना, ये दोनों लैबिरिंथ सेम है, ये वाला लैबिरिंथ और ये वाला लैबिरिंथ सेम है। ये भी बोन से आवृत है, अस्थि से आवृत है, ये भी अस्थि से आवृत है। इसमें भी पेरिलिम्फ है, इसमें भी पेरिलिम्फ है, ठीक है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी जो होती है, कौन? स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी जो होती है, इन दोनों को मिलाकर बोना जाता है बोनी लेबिरिंथ कहा जाता है। देखिए बेटा, अब हम बहुत जबरदस्त चीज जो देखने वाले ना, वो क्या है समझना। देखिए, ये है कौन, ये वाला भाग जो था, ये वाला स्केला वेस्टिबुली है, ये स्केला टिम्पेनी है ना। स्केला वेस्टिबुली पर एक झिल्ली मिलती है, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, स्केला वेस्टिबुली पर, यहां पर ये एक झिल्ली है जिसका नाम है रिजनर्स झिल्ली, इसको रेजिनर झिल्ली भी बोलते हैं। और यहां पर स्केला टिम्पेनी पर एक झिल्ली है ये बहुत जबरदस्त झिल्ली है, ये है आधारीय झिल्ली। ध्यान से सुनिएगा, यही है आपके सुनने की क्रियाविधि, यहीं से समझना सुनने की क्रियाविधि। ये दो झिल्लियां हैं, ठीक है। ये वाली जो झिल्ली जो है, इसको हम बोलते हैं रेजिनर झिल्ली, जो आप यहां पर देखेंगे, राइजनर्स झिल्ली और एक आधारीय झिल्ली होगी, आधार झिल्ली, दोनों वर्ड लिखा हुआ, आधार झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली। ये है राइजनर्स झिल्ली, रेजिनर्स बोलते हैं इसको, रेजिनर्स झिल्ली है ना, और ये है आपकी आधार झिल्ली। अब आधार झिल्ली किसमें मिल रही है? आधार झिल्ली मिल रही है किसमें? स्केला टिम्पेनी में मिल रही है। और राइजनर झिल्ली किसमें मिल रही है? स्केला वेस्टिब्यूलाई में मिल रही है। देख लीजिए, सोचिए, ये राइजनर झिल्ली कहां पर मिल रही है? इस जगह पर मिल रही है, यहां पर। ये कौन था? स्केला वेस्टिबुलाई। तो स्केला वेस्टिबुलाई में क्या मिल रही है? राइजनर झिल्ली मिल रही है। और स्केला टिम्पेनी में क्या मिल रही है? आपकी आधार झिल्ली मिल रही है। डर, अब इंपॉर्टेंट क्या है समझना, ये जो आधार झिल्ली जो है ना, ये आधार झिल्ली इस आधार झिल्ली से कुछ इस तरीके से संरचनाएं निकलती है, कुछ इस तरीके से संरचनाएं निकल रही है। दिख रही है। अब ये संरचनाओं को क्या बोला जाता है? टेक्टोरियल झिल्ली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्टोरियल झिल्ली कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्टोरियल झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिएगा, ये है टेक्टोरियल झिल्ली, और इस टेक्टोरियल झिल्ली के पास में गौर से देखिएगा, यहां पर कोशिकाएं हैं। यहां पर कोशिकाएं हैं, और ये जो कोशिकाएं जो है ना,
ये है रोम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं हैं? रोम कोशिकाएं। रोम कोशिकाएं क्यों बोला? क्योंकि इनके ऊपर इस तरीके से रोम लगे हुए, सीलिया लगे हुए हैं, और वो इस टेक्टोरियल झिल्ली से जुड़े हुए हैं, टेक्टोरियल झिल्ली के पास में है। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देख, ध्यान से देख, ये हमारी क्या है? टेक्टोरियल झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? टेक्टोरियल झिल्ली है। ये टेक्टोरियल झिल्ली जो किससे निकली है? आधार झिल्ली से निकली है। ये हमारी पीली वाली जो थी, आधार झिल्ली है, जो किसमें मिल रही है? किसमें मिल रही है? स्केला टिम्पैनी में मिल रही थी। स्केला टिम्पैनी से इस तरीके से एक झिल्ली में संरचना निकली जिसका नाम है टेक्टोरियल झिल्ली। इस टेक्टोरियल झिल्ली के नीचे की तरफ क्या मिल रही है? कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? रोम कोशिकाएं। क्यों बोला? क्योंकि इनसे निकल रहा है रोम। क्या निकल रहा है इनसे? रोम। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई, चले आगे। अब इन कोशिकाओं से, ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है, इन कोशिकाओं से आकर, इन कोशिकाओं से आकर जुड़ रही है कौन? तंत्रिका। किससे? ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से जुड़ी हुई है हमारी तंत्रिका। कौन? श्रवण तंत्रिका। कौन सी तंत्रिका? श्रवण तंत्रिका। डन। इतनी सी कहानी समझ में आ गई। अब फोकस करना जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सुनने की क्रियाविधि एक ही बार में समझेंगे और खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना। मेरे कान में तरंगे आई। कहां से आई साहब? सर, सबसे पहले यहां से तरंग आई, आकर टकराई किससे? आपके कर्णपटे झिल्ली से। इसमें कंपन पैदा हुए, ठीक। अब वो कंपन जो है किसमें आए? मेलियस। मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपीज। कहां पर आ गए हैं सर? स्टेपीज में आ गए। स्टेपीज से वो कंपन अब कहां जाएंगे? इस अंडाकार खिड़की में जाएंगे। अंडाकार खिड़की से होते हुए कंपन अब एक तरल में जाएंगे। तरल में जाएंगे तो वो किस रूप में जाएंगे? तरंग, तरंग के रूप में जाएंगे, वेव्स के रूप में जाएंगे। है, अब ये तरल है तो यहां से जब वो कंपन आएंगे, ये कंपन जब आएंगे यहां पर आएंगे, तो क्या इस झिल्ली पर वो कंपन महसूस होंगे? हैं? सोच। वो कंपन जब यहां से आएंगे, इमेजिन करो, वो कंपन जब इस स्केला मीडिया से जब कंपन आएंगे, यहां से कंपन होते हुए आएंगे, तो वो कंपन इस झिल्ली पर आएंगे, रेजिनर्स झिल्ली पर। हाँ सर, फील होंगे। हाँ सर, होंगे। और वो कंपन यहां से किस में आ जाएंगे? इस यहां पर भी तो आएंगे, यहां पर जो तरल था, आएंगे कंपन यहां आएंगे। हाँ सर, आएंगे। और वो कंपन यहां से होते हुए इस टेक्टोरियल झिल्ली पर आएंगे। हाँ सर, रुक जाओ। अब वो कंपन यहां पर भी आ रहे हैं और यहां से आगे भी जा रहे हैं। लिक्विड है ना, तरल है, तो वो कंपन यहां पर भी आ रहे हैं। अब वो कंपन जब यहां आएंगे तो क्या आधार झिल्ली पर नहीं आएंगे? हाँ सर, आधार झिल्ली पर आएंगे। आधार झिल्ली से किस पर जाएंगे? इन कोशिका पर जाएंगे। हाँ सर, या मैं बोलूंगा इस आधार झिल्ली से इस एंडोलिम्फ में आएंगे। हाँ सर, एंडोलिम्फ। अब जब कंपन आएंगे तो ये टेक्टोरियल झिल्ली और ये कोशिकाओं के बीच में जो रोम है, एक दूसरे पर सरकेंगे। हाँ सर, सरके। अब इमेजिन कर, ये रोम और ये आधारीय झिल्ली, ये एक दूसरे को प्रेस करेंगे। ये रोम हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे भाई? ये रोम है, ये सीलिया है, ये हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? इसके अगेंस्ट हिलेंगे, इस झिल्ली के विपरीत हिलेंगे। अगर ये झिल्ली के ऐसे लगे हुए हैं, सोच, ये झिल्ली है, इमेजिन कर, ये झिल्ली है और इस पर ये रोम लगे हुए थे। अब कंपन जब आएंगे,
तो वो कंपन से ये हिलेंगे? हाँ सर हिलेंगे। जब वो हिलेंगे हिलेंगे ये हिलेंगे तो इसके विपरीत हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे हिल के। अब जब टेढ़े हो जाएंगे तो इस कोशिका को पता लगेगा, इस कोशिका को पता लगेगा जिससे ये रोम लगे हुए हैं। हाँ सर पता लगेगा। और इस कोशिका से कौन जुड़ी हुई है? सर तंत्रिका। क्या? तंत्रिका के अंदर वो संदेश जाएंगे। हाँ सर। और वो तंत्रिका, ये तंत्रिका उन संदेशों को लेकर कहां जाएगी? हमारे मस्तिष्क में। और पुराने अनुभव के आधार पर, पुराने अनुभव के आधार पर हमारा मस्तिष्क वो जो साउंड आ रही है उसको समझने की कोशिश करेगा। अब इमेजिन कर आप पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं, नई चीज पढ़ते हैं, तो उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसी चीज को जब बार बार दोहराया जाता है, समझा जाता है, तो चीज आसानी से समझ में आ जाती है। हाँ, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। बच्चा जब पहली बार बोलना सीखता है तो क्या वो पहले पहले जानता है बोलना? नहीं, वो सिर्फ साउंड निकलता है। बोलना तो हमने सिखाया ना, अलग अलग लैंग्वेजेस उसको हमने सिखाई ना, कि ये मम्मी है। बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मम्मी, हम उसको सिखा रहे हैं, यानी उसके दिमाग में फिट कर रहे हैं। जब वो कंपन उसके दिमाग में जा रहे हैं, ये कंपन आ रहे हैं, यहां से होते हुए झिल्ली पर आए, इन रोम पर आए, ये रोम टकराए, ये रोम हिले, इन रोम से जो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं उनके पास कंपन आए, वो कंपन इन तंत्रिका से होते हुए उस बच्चे के मस्तिष्क में गए, उस मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन आई, मम्मी ये आवाज आ रही है, वो स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन। अब बार बार उसको हम जब रिवाइज कराते हैं तो वो फिर उसका अनुभव लेकर समझ पाता है कि यस ये मम्मी। तो ये है आपके सुनने की पूरी क्रियाविधि। अब चाहे तो आप इसको यहां पर पढ़ भी सकते हैं। देखिए लिखी हुई है पूरी, पढ़िए आराम से ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्र के आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीपित एवं क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान करते हैं। ध्यान से सुनिए। बाह्य कर्ण जो होता है उससे ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्ण पटय तक भेजती है, यानी बाहरी कर्ण से कहां तक पहुंच गया? कर्ण पटय तक, यानी ईयर ड्रम तक पहुंच गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्ण पटय में कंपन होते हैं। हां सर, वो ईयर ड्रम में, कान के पर्दे में कंपन होते हैं, और ये कंपन कर्ण अस्थिका मेलियस इनकर और स्टेपीज से होते हुए किसमें पहुंच गई? गोलाकार खिड़की में पहुंच गए। यही बताया, गोलाकार खिड़की से होते हुए कंपन कॉकलिया के अंदर जो द्रव भरा पड़ा है उसमें पहुंचेंगे। हां सर, जहां पर तरंगे उत्पन्न होगी, लिक्विड में तरंग उत्पन्न होगी, है ना। अब वो जो लिक्विड जो था उसको हमने लिम्फ बोला था। लिम्फ की तरंग आधार कला में उत्तेजना पैदा करती है, रिजनर्स में भी और आधार कला में उत्तेजना पैदा करती है। हाँ ठीक है। अब आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है। कौन मुड़ रही थी? रोम कोशिका मुड़ रही है। और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। किस पर दबाव डाल रही है? टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डाल रही है, जिसके फलस्वरूप जो तंत्रिका वहां पर उन कोशिकाओं से जुड़ी हुई थी वो इन आवेगों को ग्रहण करती है, और श्रवण तंत्रिकाएं मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क के वलकुट तक ये मैसेज लेकर जाती है, जहां पर उन ध्वनि के आवेगों को पुराने अनुभव के आधार पर पहचाना, विश्लेषण किया जाता है। ये है आपकी क्रियाविधि सुनने की। एक वर्ड रह गया था यहां पर, क्या? ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये कौन? सर ये टेक्टोरियल झिल्ली, जिसके नीचे श्रवण कोशिका, इनको मिलाकर बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या बोला जाता है इनको? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई या ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो होता है, ये क्या होता है? आधारीय झिल्ली पर होता है, जिसमें ये किससे बना होता है? रोम कोशिकाओं से बना होता है। उन रोम कोशिकाएं जो होती हैं, जिन पर रोम मिल रहे हैं, है ना, रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है, श्रृंखला में मिल रही थी, और रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग तंत्रिका से जुड़ा हुआ था। यही मैंने दिखाया तेरे को, ये जो रोम कोशिकाएं किससे जुड़ी हुई हैं? तंत्रिका से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपर क्या मिल रही है? सीलिया नामक प्रवर्ध होते, यानी रोम कोशिका के ऊपर रोम मिल रहे हैं भाई साहब। अब रोम कोशिकाओं के ऊपर एक पतली लचीली क्या मिल रही थी? टेक्टोरियल झिल्ली मिल रही थी। तो ये मिलकर क्या कहला रही है भाई साहब? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहला रहे हैं। डन। ये था आपका स्केला वेस्टिबुली, जिसमें ये वाला भाग क्या था? रिजनर्स झिल्ली। ये था स्केला टिम्पेनी, जिसमें ये वाला भाग जो था
ये वाला भाग ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था, जिसमें आपके क्या मिल रहे थे बेटा, जिसमें आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में आधार कला के ऊपर मिल रहे। कहां पर मिल रहे हैं दोस्त? ये मैंने आपको कहां दिखाया? ये मैंने आपको ये आधार कला दिखाई। हाँ, ये आधार कला के ऊपर मिल रहे हैं। किसके अंदर, किसके अंदर घुसते जा रहे हैं? स्केलम मीडिया के अंदर घुस गए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। देख, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी उत्पन्न कहां से हो? आधार कला ना, आधार कला से जुड़े हुए किस में घुस रहे हैं? स्केला मीडिया में नहीं घुस गए। बस यही तो चीज यहां पर इस डायग्राम में दिख रही है। क्या आधार कला से उत्पन्न हुए? ये आधार कला है। इस आधार कला के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी था, हाँ, जिसमें कौन सी कोशिकाएं थी? रोम कोशिकाएं। एक टेक्टोरियल झिल्ली जुड़ी हुई है, ठीक है। जो भी कंपन यहां से आएंगे, यहां पर पहुंचेंगे, यहां से आधार कला पर पहुंचेंगे, यहां से रिजनर्स में होएंगे, वहां से होते हुए एंडोलिम्फ में आएंगे, एंडोलिम्फ में टेक्टोरियल झिल्ली पर प्रेशर, वो आवेग जो है पहुंचेंगे, फिर आधार कला से होते हुए कोशिका पर, जिससे रोम हिलेंगे, किसके ऊपर मुड़ जाएंगे? टेक्टोरियल झिल्ली। जैसे मुड़ेंगे, जैसे वो रोम मुड़ेंगे, तो वो संदेश तंत्रिका के पास जाएगा, तंत्रिका संदेश लेकर जाएगी, खत्म। ये सुनने की क्रिया विधि थी, ये हमारा कर्ण था। एक लास्ट चीज रह गई है और वो है ये वो संरचना है जो हमारे अंदर संतुलन करती है, ये वो संरचना है जो हमारे अंदर संतुलन करती है, जिसको हमने क्या बोला था? अर्धचंद्राकार नलिका है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सी बातें हमें समझनी है, ये अर्धचंद्राकार नलिकाओं की। आइएगा इसको फटाफट समझते हैं और खत्म करते हैं। देखिए, अंत्यकर्ण में कॉकलिया जो होता है, उस कॉकलिया के ऊपर एक वेस्टिब्यूलर तंत्र होता है। क्या होता है? वेस्टिब्यूलर तंत्र। और ये तंत्र जो होता है, ये बना होता है तीन अर्धचंद्राकार नलिकाओं से और लघु कोश और यूट्रिकल से मिलकर बना होता है, निर्मित होता है, जिसको हम ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ कहते हैं। आप बोलेंगे, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इधर देख, तेने यहां पर ये संरचना देखी, ये यहां पर इस तरीके से संरचना देखी, ये वाली, ठीक है, मुड़ जाएगी। तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं और उनके आधार पर दो संरचनाएं जिनका नाम है, एक का नाम है सेक्यूल, एक का नाम है यूट्रिकल, और मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। इनको अब हम बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा कॉकलिया था। हाँ सर, इस कॉकलिया पर इस तरीके से तीन अर्धचंद्राकार नलिका, और ये तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर, एक ऐसे है तो एक ऐसे है तो एक ऐसे है, एक ऐसे सीधी तो एक ऐसे, एक ऐसे। सरस सोच, ये इधर ऐसे, एक ऊपर, एक तुम्हारी तरफ, एक इधर की तरफ, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, और ये नलिकाओं का फूला हुआ भाग होता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला। और इनके पास में एक और संरचना होती है, एक का नाम होता है सेक्यूल और एक का नाम होता है यूट्रिकल। अब आप बोलेंगे, सर समझ नहीं आया, मैं वापस से डायग्राम बनाऊंगा। देख, ये तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं, ये तीन अर्धचंद्राकार ये तीन हमारी अर्धचंद्राकार नलिकाएं थी, जिनका आधारीय भाग फूला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देख, इसका नाम है सेक्यूल, इसका नाम है यूट्रिकल, ठीक है। ये है अर्धचंद्र, और ये दोनों मिलकर कहलाता है ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? सेक्यूल और यूट्रिकल को मिलाकर बोलते हैं ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ये तीन है आपकी अर्धचंद्राकार नलिकाएं। कौन है ये तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं? क्या है ये तीन
अर्धचंद्राकार नलिकाएं, ठीक है जी। अब ये तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं जो है ये मिलकर कहलाती है वेस्टिबुलर तंत्र, सॉरी वेस्टिबुलर तंत्र होता है, वेस्टिबुलर तंत्र तीन और लघु को निर्मित होता है, ठीक है। और ये है हमारा अर्धचंद्राकार नलिकाएं, अर्ध चंद्राकार नलिका। तो अर्धचंद्राकार नलिका, सेमी सर्कुलर केनाल्स और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है हमारा वेस्टिबुलर तंत्र। ये दोनों, ये ऑर्गन, ये अर्धचंद्राकार नलिकाएं और ये ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ किससे बना हुआ, सेक्युलर यूट्रिकल। ये सब कुछ मिलकर क्या कहला रहा है, वेस्टिबुलर तंत्र कहला रहा है, इसको हम वेस्टिबुलर तंत्र बोलते। तो वेस्टिबुलर तंत्र किससे बना हुआ है, अर्धचंद्राकार नलिकाओं से, सेक्युलर यूट्रिकल से। क्या बोला हमने, ये जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं जो आपको दिखाई दे रही है, ये इनका आधारीय भाग फूला हुआ, ये दिख रहा है ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला। देखिए लिखा हो, प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण पर है, ये मैंने आपको बता दिया, एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिल रही है। समकोण मतलब 90 डिग्री पर मिल रही है, परपेंडिकुलर है ना। एक झिल्लीनुमा नलिका अस्थिल नलिकाओं के परिलसिका द्रव्य में डूबी रहती है, नलिका का फूला हुआ भाग आधार एम्पुला कहलाता है। क्या कहला रहा है, एम्पुला कहला रहा है, जिसके अंदर क्या मिलता है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस मिलता है। क्या मिलता है जिसके अंदर, क्रिस्टा एम्पुलेरिस मिलता है, और इनके अंदर मिलता है मैक्यूला। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक संरचना है और इसके अंदर भी संरचना है, मेन यही है भाई साहब कुल मिलाकर। कौन सी, ये जो संरचना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट संरचना यही है, इस संरचना का नाम है मैक्यूला। क्या नाम है, मैक्यूला। अब मुझे बताएं मैक्यूला किसके अंदर है, क्या ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के अंदर है, बोल सकता हूं भाई, ये कौन था, सेक्यूल, ये यूट्रिकल। सेक्यूल के अंदर कौन है, मैक्यूला। यूट्रिकल के अंदर कौन है, मैक्यूला। सेक्यूल और यूट्रिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ। तो मैं ये नहीं बोल सकता ये मैक्यूला किसमें मिल रही है, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ में। भाई इतनी सी सिंपल सी बात है, तेरे को डायग्राम से नहीं दिख रहा, ये तेरे को संरचना में बोल रहा हूं, इसका नाम है सेक्यूल, इस संरचना का नाम है क्या, यूट्रिकल। सेक्यूल और यूट्रिकल ये दोनों संरचनाएं मिलकर ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ है। अब सेक्यूल और यूट्रिकल के अंदर एक संवेदी संरचना है जिसका नाम है मैक्यूला, तो ये नहीं बोल सकता मैक्यूला इन दोनों के अंदर है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ, तो मैक्यूला ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ में है। डन। सिमिलरली ये संरचना दिख रही है, हाँ सर, इस संरचना का नाम है क्रिस्टा एम्पुलेरिस। देख ले यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस, यहां पर लिख देता हूं क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्या नाम है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस नाम है, क्या नाम है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। ये वाली संरचना जो है क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहां पर मिल रही है, अर्धचंद्राकार, ये जो नलिकाएं हैं अर्धचंद्राकार नलिकाएं, सॉरी गोलाकार में बोल रहा था, अर्धचंद्राकार नलिकाएं जो है इनका आधार था एम्पुला, उस एम्पुला के अंदर मिल रही है, हाँ मिल रही है। अब होता क्या है, यहां पर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम परिलसिका कहते हैं, क्या एक द्रव्य भरा हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परिलसिका, ठीक है। और यहां पर जुड़ी हुई है यहां से अगेन तंत्रिका। अब ये क्रियाविधि हमारी बैलेंसिंग की नहीं बता रखी, मैं आपको बता रहा हूं यहां से जुड़ी हुई है तंत्रिकाएं,
एक ये तंत्रिका है जो किससे जुड़ी हुई है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस से जुड़ी हुई है, एक वो तंत्रिका है जो मैक्यूला से जुड़ी हुई है। अब होता क्या है, देख एक है मैं चलते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहा हूं, चलते हुए मैं गिर नहीं रहा, अपनी बॉडी को बैलेंस करता हूं। तो गमन करते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस जब हम करते हैं तो वो करने का काम कौन करता है, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। अब मैं बैठ गया, बैठे बैठे मैं गिर भी तो सकता था, तो बैठे बैठे जब हम शांति से बैठे हुए उस टाइम बॉडी को बैलेंस करते हैं ये। तो ये चीज याद रखनी है, जब हम डायनामिक कंडीशन में होते हैं तो बैलेंसिंग का काम कौन करती है ये, और जब हम बैठे हुए होते हैं स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, जब हम गमन नहीं कर रहे होते तो उस टाइम बॉडी का बैलेंस कौन करती है आपकी, ये मैक्यूला करती है। बस इतनी सी बात यहां पर लिखी हुई है और कुछ नहीं। क्रिस्टा वे मैक्यूला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन का कार्य करते हैं। ये लिखा हुआ क्रिस्टा एम्पुलेरिस और मैक्यूला, ये हमारे शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। कौन, ये क्रिस्टा एम्पुलेरिस और ये मैक्यूला, इनसे तंत्रिकाएं जुड़ी हुई है, इनके अंदर द्रव्य भरा होता है। जैसे हम पता है क्या करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं गतिविधि, जैसे मैं अपने कान को यूं करूंगा ना तो ये द्रव्य एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। अब एक तरफ जब द्रव्य इकट्ठा होएगा उसका संदेश यहां पर आएगा, यहां पर भी रोमित कोशिकाएं होती हैं। अब ये रोमित कोशिकाएं जो होंगी इनके अंदर बदलाव आएगा, वो बदलाव इन तंत्रिका से होते हुए मेरे बॉडी के शरीर के सॉरी मेरे मस्तिष्क के एक भाग के पास जाएगा जिसका नाम है सेरिबेलम। ये भी याद रखना, मैं शायद बताना भूल गया था आपको, हमारा जो सेरिबेलम जो होता है ना, कौन, हमारा सेरिबेलम जो होता है जिसको हम अनुमस्तिष्क बोलते हैं, इसी अनुमस्तिष्क का कार्य होता है क्या, बॉडी की बैलेंसिंग को नियंत्रण करना। देखिए बॉडी के बैलेंस कौन करा रहा था, ये यहां से संदेश किसके पास जाएगा, मस्तिष्क के पास गया, मस्तिष्क में कौन किसके पास गया, यहां पर गया, यानी इन दोनों से संदेश किससे, मैक्यूला और क्रिस्टा है, यहां से संदेश जो है किसके पास जाएगा, हमारे सेरिबेलम के पास जाएगा, और ये सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करेगा, तो ये प्रश्न ना पहले नीट में बहुत फेमसली पूछा जाता था, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता, शराब का सेवन कर लेता है तो क्या होता है, उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है प्रभावित होता है। तो आप जानते हैं वो लोग जो ज्यादा शराब का सेवन करते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, क्यों, शरीर का बैलेंस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनका सेरिबेलम जो होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है, वो शराब से प्रभावित होता है। याद रखना, डन। ये था आपका पूरा का पूरा कर्ण, और इसी के साथ हमने चैप्टर भी किया है समाप्त। अभी समय हुआ है आपके क्विज का, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण को डैश से जोड़ती है, यूस्टेकियन नलिका जो होती है वो मध्य कर्ण को किससे जोड़ती है, फेरिंग से, लैरिंग से, सीरिंग से, नैरिंग से, किससे जोड़ती है, यूस्टेकियन नलिका जो होती है मध्य कर्ण को किससे जोड़ रही थी, फेरिंग से, लैरिंग से, सीरिंग से, नैरिंग से, किससे जोड़ती है, जल्दी से लगाइए आंसर, किससे जोड़ती है, चलो जी। दूसरा प्रश्न, स्केला टिम्पेनी कौन सी खिड़की में समाप्त होती है, स्केला टिम्पेनी नीचे वाली कौन सी खिड़की में समाप्त होती है, अंडाकार खिड़की में, गोलाकार खिड़की में, दोनों खिड़की में, किस कौन सी खिड़की में समाप्त होती है स्केला टिम्पेनी। चलिए जी, समय हुआ समाप्त, आइए देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न था यूस्टेकियन नलिका जो वायु के दाब को बैलेंस कर रही थी वो हमारे मध्य कर्ण से निकलकर कहां पर पहुंची थी, हमारे फेरिंग्स, नासा ग्रसनी में पहुंचती है, आंसर इज ये। दूसरा, स्केला टिम्पेनी कौन सी खिड़की में समाप्त होती है, स्केला टिम्पेनी जो होती है, मैं दिखा देता हूं यार तेरे को अगर भूल गया तो, ये देख, ये हमारी कौन थी, स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला टिम्पेनी,
स्केला वेस्टिबे खुल रही थी अंडाकार खिड़की में और स्केला टेम्पनी समाप्त तो होती है किसमें? गोलाकार खिड़की में। तो गोलाकार खिड़की जो है इसमें समाप्त हो रही थी। आंसर इज बी। ये था बेटा जी आपका लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।